ओके तुम लोग को ज्यादा लाउड लग रहा है? नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक। अच्छा मैं थोड़ा सा तुम्हें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी है एंड उसके बाद आई वॉज एन MBA एंड आई यूज टू वर्क इन अ कंपनी कॉल्ड कैडबरी। कितने लोगों को नहीं पता है कैडबरी क्या है? हाँ बताओ। देखो बहुत शर्म आएगी मुझे अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कैडबरी क्या है। सो कैडबरी जो चॉकलेट की कंपनी है ना, सो आई यूज टू वर्क इन दैट कंपनी एंड सोचो हमारी कंपनी इतनी अच्छी थी कि स्टेज जितना एक रूम था इससे भी बड़ा और उसमें सारे कमरे में सिर्फ चॉकलेट्स थी। और आप अगर उस कंपनी में काम करते हो तो आप कभी भी कितनी भी चॉकलेट किसी भी टाइम जाके खा सकते हो फ्री में। अच्छा जॉब है ना, है ना? एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको ना बहुत प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। किसी को पता है एंटीला क्या है? एंटीला पता है? एंटीला नहीं। अच्छा मुकेश अंबानी पता है? बॉम्बे में जो उनका घर है उसका नाम एंटीला है, ठीक है। एंड मुझे कंपनी से, जिस कैडबरी से, उसके ठीक सामने की तरफ एक फ्लैट में रहने को मिला था। अच्छा साउंड करता है ना? सो आई यूज टू रियली एंजॉय माई जॉब। मेरा ऑफिस ईटानगर में तो आपको बड़ी बात नहीं लगती है, बट दिल्ली बॉम्बे में अगर कोई कहता है ना कि मैं ऑफिस 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नॉर्मली आपको 10 मिनट अपने घर से अपनी कॉलोनी के बाहर तक जाने में लगते हैं वहाँ पर। तो आई यूज टू यू नो माई ऑफिस वॉज 10 मिनट्स अवे एंड अमेजिंग जॉब राइट। एंड कंपनी से हम लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पर जाने को मिलता था। आप बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं, उतने पैसे मिलते हैं कि आप खर्च नहीं कर सकते हो। सो हुआ क्या कि देर वॉज अ पॉइंट आई यूज टू वर्क फॉर 20 आवर्स इन अ डे। एंड मैं मजाक नहीं करती, मैं 20 आवर्स के आसपास काम करती थी, सैटरडे संडे इंक्लूड करके, ठीक है। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे मेरे काम से दुनिया में कोई ये कहे कि उसकी लाइफ बेटर हुई है, उस इंसान की लाइफ बेटर हो, किसी की लाइफ पे कोई फर्क पड़े। और समबडी हू सेज कि आपके काम की वजह से, आपने जो किया उसकी वजह से आज मेरी फैमिली बेटर है, आज मेरा वो दुनिया बेटर है, मेरी सोसाइटी बेटर है, मेरा एनवायरनमेंट बेटर है, मेरे पास एक ब्राइटर फ्यूचर है। एंड ये सोच के आई क्विट एंड आई वांटेड टू सिविल सर्विसेज। बट मैं आप लोगों को सबको ये कहना चाहूँगी कि यू नो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं वर्ल्ड में, बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बट मेन पॉइंट ये होता है कि आपको वो पसंद होना चाहिए। आप किसी भी ऐसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर वो चीज़ आप अपने मन से नहीं कर रहे हो, आपको पसंद नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है। हमारे कंट्री में ना एक प्रॉब्लम है, हम हर कोई आपको ये कहेगा उसने ये कर लिया तो तुम भी ये कर लो। कितने लोगों के साथ ये हो रहा है? ये बहुत कॉमन है। एंड प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी क्या होती है ना, मैं सबके मम्मी पापा को भी बहुत ये डांटती हूँ इस बात से, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपने मुझे कहा कि मैं इस इंसान के टैलेंट और इंटरेस्ट के बेसिस पे अपनी जिंदगी चलाऊँ, जिसका मतलब ये है कि मैं उस चीज़ में कैसे सक्सेसफुल होंगी। वो तो ना मेरा इंटरेस्ट है, ना मेरा टैलेंट है, ना मेरा हो सकता है बैकग्राउंड हो। आप लाइफ में सिर्फ उस चीज़ में सक्सेसफुल अच्छे हो सकते हो जो चीज़ आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, जो चीज़ आपको पसंद है, जिसमें आप इंटरेस्ट लेके जियोगे। और हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का बैकग्राउंड अलग है, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है, हर इंसान का इंटरेस्ट अलग है, हर इंसान को क्या पसंद है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारे होंगे जो किन्हीं 3-4 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, ठीक है,